एक ऐसी साड़ी है जिसने अपनी पहचान न सिर्फ रंग की वजह से बनाई है बल्कि लाठी उठाकर उंगलियों को मुट्ठी में तब्दील करके अपनी ताकत बुंदेलखंड से पूरे देश को दिखाई है मैं इस समय हूँ संपत पाल और उनके गुलाबी गैंग के साथ इस गैंग की खासियत है कि इसने एक जमाने में लाठी उठाकर सत्ता को चमका दिया था तो क्या इस बार भी चुनाव में सत्ता को चमकाने की तैयारी है संपत जी फुल तैयारी है और गांव-गांव में चौपाल लगा के मैं महिलाओं को भी समझाती हूँ कि ये सरकार ये ही नहीं ये जो भी सरकारें आई हैं हमारे बुंदेलखंड में गुंडा राज इन्होंने चलाया और मैं चाहती हूँ कि जब मैं विधायक बनूंगी यहाँ की तो मैं गुंडा राज खत्म करूँगी मैं एक विधायक मैं मुख्यमंत्री तक को भारी पड़ जाऊंगी ये मैं वादा करती हूँ कि जो आज ये संसद में और विधानसभा में कुछ कुर्सी पटकते हैं इनकी मैं कुर्सी बंद करवा दूंगी इसलिए कि गुलाबी गैंग की इतनी बड़ी ताकत है कि जब ये मेरी नहीं सुनेंगे तो पूरा गुलाबी गैंग का जितनी महिलाएं हैं उत्तर प्रदेश की विधानसभा घेर लेंगी और मैं उनकी वकालत करूंगी अंदर आप खुद ही विधायक का चुनाव लड़ चुकी हैं उसमें सफलता हासिल नहीं हुई लेकिन इस बार चुनाव में अलग क्या है और गुलाबी गैंग की ताकत क्या है देखिए एक बात तो बता दूं कि झूठ की सरकारें बहुत दिन तक चलती नहीं हैं, फौरेब की सरकारें चलती नहीं हैं फौरेब वाले मैंने गाना सुना दी है और धीरे धीरे महिलाओं को ट्रेनिंग दे रहे हो कि फौरेब से आप बचिए सारे फौरेब से आपको बचना है कोई भी नेता है इनको सबक सिखाओ और धीरे धीरे कोई चीज सिखानी सिखाई जाती है ना तो वो आ, उनको एक दिन हासिल होता है मैंने इतना जनता को प्रशिक्षण दे रखा है महिलाओं को कि आज वो गांव गांव जाएंगी और लोगों को बताएंगी उनकी ये गांव में जो प्रशिक्षण शिविर चलते हैं आपके ट्रेनिंग इसमें क्या सिखाती हैं महिलाओं को देखिये एक तो पहले मैं सिखाती हूँ गाँव की राजनीति के बारे में या गाँव के भ्रष्टाचार के बारे में गाना के माध्यम से पहले उन्हें मैं गाना सिखाती हूँ कि आप शिक्षित बनो आत्मनिर्भर बनो आप स्वावलंबी बनो गुलामी तभी अट सकती है अगर शिक्षित बनोगी तो शिक्षा के लिए क्या करना पड़ेगा अपनी बेटियां पढ़ाना पड़ेगा और बेटियों को लड़कों के बराबरी का दर्जा देना पड़ेगा बहुत ऐसे लोग हैं जो जानते नहीं है कि गुलाबी गैंग ने क्या किया है वो तीन बड़ी बातें जो आपने हासिल की हैं इतने दशकों में आज ऐसा कुछ नहीं है घर घर मोबाइल है पूरा हिंदुस्तान गुलाबी गैंग को जान रहा है संपत पाल को जान रहा है अच्छे अच्छे नेता भी जानते हैं पुलिस भी जानती है आज चाहे बम्बई की कसना पुलिस हो अगर मेरा फोन जाए की मैं संपत पाल अरे हाँ बताइए मैडम तो पूरे हिंदुस्तान की पुलिस जानती है इस गुलाबी गाय को पूरा दुनिया देखा है और देश नहीं बल्कि विदेश रूस फ्रांस अमेरिका जर्मनी नॉर्वे ऑस्ट्रेलिया जाने कितने मैं विदेशों में गई हूँ और गुलाबी गैंग का झंडा मैं वहाँ फहरा के आई हूँ गुलाबी रंग ही क्यों चुना आपने कैसे इसकी शुरुआत हुई गुलाबी रंग इसलिए चुना था कि गुलाबी रंग हमारा किसी पार्टी से अटैच नहीं था हमने हर पार्टी को ढूंढा तो हर पार्टी कहीं ना कहीं रंग से लिप्त थे ये गुलाबी ही बचा था तो इसको हमने चुना और आज ये गुलाबी जैसे समुद्र में बाढ़ आती है उस तरह आप बाढ़ आ गई मैं कभी नहीं सोचा था कि पूरे भारत में हमारा गुलाबी गैंग चला गया मैं कभी नहीं सोचा था ये हमारा अतर्रा से शुरुआत हुई है आज अतर्रा के एक पुरोह में है हम सुखारी प्रोह में जो कि यहाँ कई दिन बिजली नहीं आई थी और फिर ये लोग हमारे पास गए फिर इनको मैंने कि गैंग बनाओ गैंग तैयार करो और जिस दिन गैंग तैयार हुआ एक फोन में जे आया इनकी बिजली जोड़ गया गुलाबी गैंग के लिए तो आपने गाना भी बनाया है वो में सारी की आई अब बहनों की बारी बांधे गुलाबी साड़ी की आई अब बहनों की बारी और छोटा हो चाहे बड़ा अधिकारी की आई अब डंडन की बारी वो न्याय नहीं करेंगे तो हमारे नारा है कि जोधकारी गुंडा है तो हाथ हमारे डंडा है अब लगाइए जोधकारी गुंडा है, है जो अधिकारी न्याय है, है अगर न्याय है तो हमारा भाई है और अगर गलत करता है तो वो गुंडा है तो उसके लिए हमारा डंडा है और डंडा हमने चलाया भी है कांग्रेस के पक्ष में आप लड़ी हैं चुनाव इस बार पहली बार महिलाओं को आरक्षण मिला है कम से कम कांग्रेस ने ये कहा है कि इस बार प्रियंका गांधी ने भी अपना वादा किया है कैसे देखती है कि प्रियंका जी जो ये कहा है शायद है कि कांग्रेस कहती है तो करके दिखाती भी है और ये यही ऐसी, ऐसी सरकार है जो गरीबों को शुरू में ये आज चाहे कांग्रेस के बारे में कोई भी बा, बात बता देंगे सब कुछ कांग्रेस की देन है नई योजना किसी ने नहीं बनाया जिसकी सरकार ही, काली उनके नाम से योजनाएं बनी है बाकी जो कांग्रेस ने दिया अलग से कोई बनाया नहीं मोदी तो ऐसा कर दिया कि सब मिटा दिया और न बना बनाया आपने नेता लोगों पर भी वो भी जरा सुना दे। वो तो है कि बहना हो जाओ होशियार नेता बैठे हैं गद्दार बस बस पांच साल में आते हैं ऐसे नहीं आते केवल पांच साल में आते पांच साल में आते हैं अपनी बात सुनाते हैं जनता में आते हैं अपनी बात सुनाते हैं। जनता का बेवकूफ बना के अपनी वोट बढ़ाते हैं प्रशिक्षण देती रहो जब वोट लूट के जाते हैं तब टाटा सोमो लाते हैं जब टाटा सोमो लाते हैं फिर एसी में सो जाते हैं मत दूर सड़क पर रोते हैं ये नेता घर में सोते हैं, हैं ऐसा होता है कि नहीं होता तो आप बताएंगे आप तो खुद चुनाव लड़िए आप खुद नेता रही नहीं। मैं खुद नहीं हूँ मैं चुनाव भी लड़ी हूँ और चुनाव इसीलिए लड़ी हूँ मैं नेताओं के सबक सिखाने के लिए और अगर वे जनता हमारी जागरूक हो जाए तो जनता ऐसे नहीं जागेगी जब गांव-गांव में समझाएंगे कि महिलाओं के अधिकार क्या होते हैं महिलाओं में क्या ताकत होती है महिलाओं में क्या शक्ति होती है महिला दुर्गा माता हैं चंडी माता है काली माता है माता है जगत माता है कितने प्रदेशों में और कितनी संख्या में अब आपके साथ गुलाबी गैंग तो उत्तर प्रदेश में हमारी कम से कम 10-12 लाख महिलाएं हैं लेकिन पूरे भारत में ही गुलाबी गैंग बन गया अब ऑनलाइन बनता है गुलाबी गैंग हाँ मैं जा नहीं पाती तो ऑनलाइन में बनाती हूँ जैसे आसाम में एक लड़की कह रही कि हमें बना दो अब उसको बनाने उसको पपोल नाम बताती है तो मैंने कहा वीडियो कॉलिंग में अपना चेहरा दिखाओ और मैं आपको बना दूंगी पर अच्छा काम करना बस इतना है कि गलत ना करना हाँ जुड़ने के लिए तो क्या क्या पूछते हैं लोगों से उन महिलाओं से जो जुड़ी हैं और इस लाठी के दम पर उन्होंने बहुत कुछ हासिल किया है सुमन जी ये बताइए कि गाँव में क्या परिवर्तन आया है इससे गाँव में बहुत अच्छे परिवर्तन आया है हमारे यहाँ की लाइट भी कट गई थी एक हफ्ता काटी थी जब दीदी जी को सुना जाना हमने दीदी के पास गाय बुलाए दीदी ने लाइट फोन किया लाइट जुड़ गई है और पुलिस जब से हम दीदी से जुड़ गए पुलिस भी हमें बहुत डरने लगी है हर वक्त पुलिस इज्जत करती दी जहाँ जाते हैं, जा हैं मतलब पुलिस हमें बहन जैसे मानती है हर चीज पहले इतना था नहीं था लेकिन अब बहुत परिवर्तन आ गया है नहीं परिवर्तन आ गया है परिवर्तन कहा है चाची का परिवर्तन आया लाठी हाथ में लिए गुलाबी साड़ी पहने को परिवर्तन आई रहे परिवर्तन कहे नहीं परिवर्तन जब से आई है गुलाबी गेह हो रहा है जो कहते हैं थाने जाते हैं पुलिस आते हैं जो उनको फोन किया तो तुरंत काम हमारा पहले था। था। का होता है पहले कुछ नहीं सुनाई थी कुछ नहीं सुनाई जब बहने आई जब जब सुनाई थी।, थी।, थी यहाँ पहले सुनाई नहीं गई <laughs> जब बहन आई गुलाबी साड़ी पहन के का परिवर्तन आया है गुलाबी साड़ी पहन के कोई परिवर्तन आया है का परिवर्तन आया है कि ये कॉलोनी जो है एक भी यहाँ नहीं थी तो ऐसा नहीं है कि पूर्व में काफी सी कॉलोनी आ गई हमारे घर में भी दो कॉलोनिया आई है सबके दो दो कॉलोनी यहाँ तक आई है पर हम भी रह गए पर हमारी यहाँ नहीं आई है ना कार्ड भी बना है ना कॉलोनी भी है का 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 का, का परिवर्तन आए चाची अरे का को आओ है जब से बिजली उजली का है आओ आओ है घर तो नहीं है प्रैक्टिस करके कुछ सीखे हो लाठी लेकर हाथ में ना सीखे हो है। तो लाठी लाठी की ताकत वो जानता है ये जिसके हाथ में हो हिंदी में हिंदी में एक कहावत है बताएं ये कह रहे हैं बहन जी की किसानों का जो ऋण है माफ होना चाहिए गुलाबी जंग माफ करेगा लड़ेंगे जैसे लड़ेंगे कौन से चुनाव लड़ियो कौन चिन्ह पे लड़ियो कौन चिन्ह पे हाथ का पंजा हम खड़े रहे हैं, हाथ के पंजे से लड़ेंगे हाथ के पंजे से ही लड़ेंगे कांग्रेस कांग्रेस के आपको क्या फर्क आया है को फर्क आया है गुलाबी साड़ी पहन के का दम ताकत ज़्यादा हुई <laughs> जब से दीदी आ गई यहाँ गुलाबी गेंग में हम जुड़ गए तब से बढ़िया फर्क आया है दीदी है जो लाइट जुड़ गई यहाँ एक महीना लाइट नहीं आई है जब दीदी को फोन किया है पुलिस वाले जब गए तो उन डराते हैं सम्मान देते हैं सम्मान देते हैं क्योंकि लाठी में जो ताकत है वो इन महिलाओं ने साबित कर दिया है कि देवी के स्वरूप में सरस्वती भी है देवी के स्वरूप में दुर्गा भी है और जब इस लाठी की ताकत और गुलाबी साड़ी की ताकत एक साथ मिल जाती है तो अंतर ये है कि गुलाबी गैंग बन जाता है कैमरा पर्सन सूरज पांडे के साथ मनोज्ञा लोईवाल बांदा एबीपी न्यूज बी न्यूज आपको रखे आगे